नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है आज। संगठन चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी मंथन संभव माना जा रहा है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कल भी बीजेपी के महासचिवों की बैठक हुई थी। बताते चले कि आज दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की ये महत्वपूर्ण बैठक है। संगठन चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए जिन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। साथ ही साथ बताते चले कि सदस्यता अभियान को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कल भी बीजेपी के महासचिवों की बैठक हुई थी, जिसके बाद आज दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में आप बताते चले कि संगठन चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होना संभव है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि संगठन चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और आज वे दिल्ली में पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा संभव है? देखिए, बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अगुवाई करेंगे। दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, दोपहर बाद ये बैठक होनी है। करीब 2 बजे समय बताया जा रहा है। इस बैठक में पार्टी के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष वो शिरकत करेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत करेंगे, प्रदेश संगठन मंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और काफी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो सदस्यता अभियान है वो पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। कल देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चली थी, जिसमें पार्टी महासचिवों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। इस बैठक से पूर्व बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। रणनीतिक तौर पर ये बैठक काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस बैठक में सदस्यता अभियान उसको लेकर चर्चा करेगी। 1 सितंबर से ये शुरू किया जाना है। जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी का लक्ष्य नए पार्टी अध्यक्ष चुनाव से पहले ये अभियान पूरा कर लेना है। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और के अलावा विभिन्न राज्यों के पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा है, जो रक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता बीजेपी के, उनके आवास पर भी 11 अगस्त को बैठक हुई थी। इसके अलावा भी जिस तरीके से आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनकी नेताओं की भी बैठक इस चर्चा के दौरान हुई थी। और माना जा रहा है कि बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर वो मंथन चल रहा है, जबकि जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर की जानी है और उससे पहले एक गहमागहमी बड़ी हुई है। इससे पहले हमने देखा है कि जेपी नड्डा जो जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए थे और इसी साल फरवरी में उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति बीजेपी बनाने में जुटी हुई है, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, और उसके मुताबिक अब लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। इसके अलावा कल ही बिगुल बजा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा है, तो अब पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाती नजर आएगी। लिहाजा इस बैठक की काफी अहमियत बढ़ गई है और कहीं ना कहीं अलग इसके इतर भी कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। तो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है, उससे पहले जो यहाँ पर सदस्यता अभियान है वो पूरा किया जाना है। लिहाजा 1 सितंबर से ये अभियान शुरू होना है और उससे पहले यहाँ पर आज बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक काफी अहम रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि चुनावी बिगुल बज चुका है। कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से चारों राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया, तो अब तारीखें नजदीक हैं और इसके साथ ही अब अगर तमाम दलों की बात करें तो सभी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। लेकिन अब बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी में ये कहना कोई भी दोराय नहीं होगा कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और उसके बाद अब जब चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो गया तो लगातार जो बैठकों का ये दौर है वो साफ तौर से देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी के जो रणनीति के तौर पर काफी अहम लगातार चर्चाएं चलती हैं, वो न सिर्फ एक सतत प्रक्रिया है बल्कि लगातार वो अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। चुनावी मूड को भापते हुए अपनी रणनीति में समय समय पर उन्होंने अहम बदलाव किए हैं। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दे, विरोधियों की
चाल को भापना, उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाना, और इससे पहले जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, संगठन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और संगठन में जिस तरीके से हमने देखा है कि जब गृहमंत्री बने हैं जो अमित शाह, उससे पहले वो बीजेपी अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरीके से संगठन को धार दी थी, उसके बाद बरकरार रखी है ये चुनौती जेपी नड्डा ने, और अब वो केंद्र में चले गए हैं तो अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल को लेकर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसमें बखूबी खरा उतरे, और इसीलिए आरएसएस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई है। जब राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई थी, कल जो महासचिवों की बैठक हुई है जेपी नड्डा के आवास पर, उसमें सदस्यता अभियान को गति देने, इसको लक्ष्य को पूरा करने, इस पर फोकस किया गया है, और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार चुनावी रणनीति के साथ साथ जो संगठन के जो कामकाज है और उस संगठन को मजबूत करने पर फोकस करते हुए, पूर्णकालिक अध्यक्ष पर उसके चुनाव पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति बना रही है। जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाना है, लिहाजा रणनीतिक तौर पर बैठक की अहमियत बढ़ गई है। बिल्कुल, फिलहाल प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे।